आगे वो गाड़ियों की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मतलब कुछ ज्यादा ही खत्म होने ठीक से निकालना पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हैं नैनीताल, देख सकते हैं एक रास्ता जाता है भवाली को और लेफ्ट पंगोट और सीधा है जो नीचे नैनीताल तल्लीताल को। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भीड़ कितनी ज्यादा है। तो गाइस भवाली वाला रूट भी अब खुल चुका है, देखिए दोनों तरफ से गाड़ियां, इधर से भी इधर से भी। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप बिल्कुल ठीक हुए एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप मुझे अभी इस वक्त देख सकते हैं, मैं हूँ बारबत्तर साइड और भीड़ आप देख सकते हैं टूरिस्टी किस तरीके से है, क्योंकि तीन चार दिन यहाँ लगातार छुट्टियों की वजह से मुहर्रम और 15 अगस्त की छुट्टी और राखी की, तो उस वजह से यहाँ जो है टूरिस्ट बढ़ चुका है अभी। और अभी मैं हूँ बारबत्तर साइड, आप आए होंगे स्नो साइड को कभी, तो ये वही वाली रोड है किलवरी की साइड और उस साइड बारबत्तर, और आपको मैं अभी नीचे जाके दिखाऊंगा तल्लीताल की कितना टूरिस्ट अभी यहाँ पे है और कितना आ रहे हैं अभी इस वक्त पे। तो चलेगा चलते हैं, अभी चलता हूँ नीचे को यहाँ से, अभी जो है हम अब चलते हैं नीचे बारबत्तर साइड, क्यों जहाँ से गाइस आप लोग अगर जब आए होंगे तो घोड़े वोड़े वहाँ से मिलते हैं टिफिन टॉप के लिए, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे इस वक्त कितनी भीड़ है। अभी शाम का 3:30-4 बज रहा है और आपको दिखाते हैं अभी आगे किस तरीके से भीड़ है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भीड़ कितनी ज़्यादा है, और मानसून में बीच में जो है पर्यटक हमारा काम हो गया था टूरिज्म, और लेकिन अभी 2-3 दिन में, और आप देख सकते हैं यहाँ से लोग सब घोड़े वोड़े यहीं से ले जाते हैं। और इसका टिकट कितना है बनना है यहाँ से के आसपास? हाँ तो गाइस 200 रुपये करीब आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा और आप सीधा पहुँच जाएंगे यहाँ से टिफिन टॉप पे। चलो घुमा लेते हैं, अब चले गए। और गाइस आप भी अगर इस टाइम में आना चाहते हैं, आज तो खैर वीकेंड का टाइम है, आज सैटरडे है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, और आप भी अगर इस टाइम में आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश वारिश का भी और रोड वोड भी सब क्लियर है, बाकी आप देख सकते हैं सारे टूरिस्ट आ रहे हैं दूर दूर से, यहाँ दूर दूर की नंबर की गाड़ियाँ भी दिख रही है मुझे। तो नैनीताल इज सेफ गाइस इस टाइम में, मानसून के टाइम में कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है आने के लिए। बस पीछे बारबत्तर की तरफ से अगर आप आएंगे तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं एक रास्ता जाता है भवाली को और लेफ्ट पंगोट और सीधा है जो नीचे नैनीताल तल्लीताल को। और अगर आपने बाइक यहाँ से रेंट पे ले रखी है या पर्सनल गाड़ी से घूम रहे हैं और आपको किलवरी जाना है स्नो व्यू की तरफ को, तो आपको आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ आपको गाइस, ये देखिए जो रास्ता जा रहा है लेफ्ट को, ये आपका जाता है स्नो व्यू किलवरी से, जहाँ मतलब जब भी बर्फ पड़ती है उससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हम फिलहाल हम जा रहे हैं अभी सुबह नीचे तल्लीताल पर, और वहाँ की भीड़ दिखाते हैं आपको आज। जाम लग चुका है और कितने दूर दूर से, मतलब 2-3 दिन परसों तक तो पूरी खाली हो रही थी ये रोड, और इस समय में पूरा जाम आप देख सकते हैं बिल्कुल, बाइक निकालने की बाइक भी इतने मुश्किल से निकल पा रही है। तो अब यहाँ से चलते हैं, आप नीचे का देखते हैं नीचे कैसा हाल है। हाँ गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे भी, मतलब कल परसों तो बिल्कुल ही खत्म ही थी और यहाँ आज 2-3 दिन से उतनी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं आए क्राउड पूरा, बिल्कुल पैदल भी चलने की बिल्कुल जगह नहीं है इधर। और आज नीचे ताल में भी इतनी सारे बोट है और टूरिस्ट मतलब पर्यटक अभी बहुत ज़्यादा है इस समय में। और 2-3 दिन से मतलब 11 अगस्त से 16 अगस्त के लिए यहाँ के जो होटल के थोड़ा रेट थे थोड़े कम हो गए थे, लेकिन फिर बढ़ा दिए गए थे क्राउड की वजह से। तो आप देख सकते हैं बाकी भीड़ यहाँ से, और अगर आप भी आना चाहते हैं आप आए। बीच में आपने ऐसी खबर सुनी हुई कि नैनीताल इज़ नॉट सेफ और नैनीताल को खतरा है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा खतरा कुछ नहीं है और बारिश वारिश भी ज़्यादा है नहीं, और आप देख सकते हैं बाकी भीड़ ऊपर से भी ऊपर से।
भाई नीचे ताल में देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी ज़्यादा बोट्स, और इन बोटों का अंदाजा लगा के आप समझ ही सकते हैं कि इस समय नैनीताल में टूरिस्ट कितना ज़्यादा हो चुका है दो तीन दिनों में। और बाकी मौसम भी यहाँ का बढ़िया है, आज बढ़िया वाली धूप खिली हुई है और आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रूम्स भी आपको आराम से नीचे को दिखाओ, नीचे ताल 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 में बढ़िया करके। गाइस मौसम तो आप धूप देख के पता ही लगा सकते हैं कितना क्लियर मौसम है, और सब लोग सारे टूरिस्ट अपना एंजॉय करते हो, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं अभी भी देख सकते हैं 4:30 का टाइम हो चुका है और आगे से गाड़ियाँ आते रह रही है। और मतलब इस वक्त तो अब क्राउड बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, और गाइस आप भी देख पा रहे होंगे इतनी सारी भीड़ है, आप भी आइए और इस क्राउड का आनंद लीजिए क्योंकि नैनीताल इस समय बिल्कुल पैक्ड वाली स्थिति में है। और आगे को चलते हैं और दिखाते हैं आपको, और गाइस देखिए भवाली वाला रोड खुल गया क्या है? भवाली वाला रोड खुल गया क्या? हाँ तो गाइस भवाली वाला रोड भी अब खुल चुका है, देखिए दोनों तरफ से गाड़ियाँ इधर से भी इधर से भी, और बाकी अपना पूरा नैनीताल भरा हुआ है। और गाइस वो वहाँ देखिए वहाँ एक इंसान लेटा भी हुआ है, ऐसी स्थिति ना हो आप बस नैनीताल में आके इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आप देख सकते हो उस तरफ बस स्टेशन की तरफ कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब वैसे टूरिस्ट भी आए हैं और अपनी गाड़ियों से भी आए हैं, तो आप समझ सकते हैं नैनीताल का हाल सब क्या चल रहा है। तो गाइस आप भी ऐसा आनंद लेना चाहते हैं सबकी तरह से नैनीताल आइए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नैनीताल से नीचे को हल्द्वानी वाली रोड पे, और वहाँ पे आप देख सकते थे शुरू में जब हम वहाँ गए थे बासी गाँव, तो वहाँ हमने कोहरा देखा, और फिर हम नैनीताल आए फिर हमने देखी जबरदस्त धूप, और अभी हम फिर जा रहे, तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं फिर से कोहरा जो है शुरू हो चुका है, और इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ के मौसम का क्या हाल है, कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से पल पल में बदल सकता है। तो अगर आप दूर कहीं दूर जगह से आ रहे हैं तो कोई शॉपिंग वॉपिंग करने का इरादा नहीं है, खाली घूमने का है, तो आप अपने लिए कपड़े वपड़े लेके आए जिससे कि आप आपको ठंड का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ठंड लग जाएगी यहाँ पे। तो बाकी कैलकुलेट करके बताइए। तो गाइस आप देख सकते हैं नैनीताल हो चुका है फुल, और पुलिस वालों ने वहाँ चेकिंग लगा दी है, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ जा नहीं पाएंगी, इसलिए आप देख सकते हैं नीचे तक कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, लाइन लग चुकी है, कम से कम कितने किलोमीटर की लाइन लग चुकी है इतनी लंबी, आप देख सकते हैं। और पीछे मतलब ऊपर से ये वीडियो तो मैंने खैर आधे से बनाई आप, लेकिन देख सकते हैं यहाँ से कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है क्योंकि नैनीताल हो चुका है फुल अभी फिलहाल। गाड़ियों की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, नैनीताल साइड से फुल हो गया भाई, कितना लंबा जाम लग रहा है। गाड़ी लगता नहीं है मुझे इनमें से कोई भी पहुँच पाएगा क्योंकि जाम जो बहुत ज़्यादा ही लंबा लग चुका है। तो केस चल रहा है, अब
गाइस लगता है आज अबे कम एक दो किलोमीटर से भी लंबा हम नीचे को आ गए, हमारे जाम से खत्म ही नहीं हो रहा है। इनको अनऑफिशियल दे दे पकड़ लो खाली सर, इसका इसका एग्रीमेंट में डालना नंबर, इनको अनऑफिशियल दे दे और बाकी कल के दिन गाइड में से कोई भी नहीं जाने वाला कह देना भैया, तो ये जाने से जाने क्योंकि चेतन पर गलत चढ़ा हुआ है ना। अब गाइस अब गलत को कम से कम ऊपर रूसी बैंड से नीचे पटवा डांगर सा लगा हुआ है यहाँ तक पूरे, नहीं आज कि कोई जा पाएगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबा जाम होगा और गाड़ियां जो है अभी भी आ रही हैं आ जा रही हैं। तो गाइस आज भी हम घूम के आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा हमें आज पवनता के साथ। हम एक पंगूट से थोड़ा दूर 13-14-15 किलोमीटर दूर बासीगांव नाम से एक गांव है, वहां गए मेरा, और अभी हम नैनीताल से घूम के आ चुके हैं और नैनीताल में तो जबरदस्त धूप हो रही थी और थोड़ा सा नैनीताल से नीचे का एरिया है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ उनके हेडलाइट भी जल चुकी हैं तो समझ जाइए यहाँ पे मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा ही है और सामने की रोड भी नहीं दिख रही है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में और इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, तो बंदा एंड करते फिर अब घर को जाना है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं नैनीताल के बारे में आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ और नैनीताल की नई नई जगह आपको आगे को दिखाते रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, बाय गाइस।